चंचल जी, हमारी आवाज आ रही है? चंचल जी, हमारी आवाज आ रही है? वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए। चंचल जी, माइक ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए। शुभम कुमार राणा जी, हमारी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर। सिलेबस तो शुभम जी खत्म हो गया है? असाइनमेंट आपने जमा कर दिया है? कर दिया है सर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका असाइनमेंट कंप्लीट जमा हो गया है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। कहाँ पर रहते हैं शुभम जी? सर मैं झारखंड से हूँ सर। तो अभी आप झारखंड से लिंक किए हुए हैं? यस सर। झारखंड में कहाँ रहते हैं? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सर। कोडरमा में? हाँ, मैं गया हूँ कोडरमा में, गया हूँ कोडरमा में। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव में रहते हैं? मरकच्चू करके नाम है सर। मरकच्चू है ना? वाह, बहुत यस सर, बहुत खुशी हुई जान करके कि आप जो है झारखंड के हैं। बहुत खुशी हुई जान करके। और मोहित अधाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आज एमसीक्यू करेंगे योगा का। योगा का एमसीक्यू करेंगे और नितेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित अधाना जी जुड़ गए हैं। मोहित अधाना जी, आपने असाइनमेंट जमा कर दिया है? मोहित अधाना जी, आपने असाइनमेंट जमा कर दिया है? यस सर। हाँ, वाह, वेरी गुड। आपको फुल मार्क्स आपको आपको मिल जाएंगे। तो आज हम एमसीक्यू योगा का शुरू करते हैं। योगा का एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द टाइम टू वेट आफ्टर ए मील बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द योगा प्रैक्टिस इज। एक खाना खाने के बाद योगा प्रैक्टिस कितने अमाउंट के बाद शुरू करना चाहिए? आंसर आपको स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। नंबर ए 30 मिनट्स, नंबर बी 60 मिनट्स, नंबर सी 90 मिनट्स, नंबर डी 2 आवर्स। बताइए शुभम कुमार राणा जी, कौन सा आंसर है? इसमें तो आंसर दिया पड़ा है सर। हाँ, आंसर दिया हुआ है, वो आपका आंसर है 90 मिनट्स, है ना? योगा मील के बाद जो शुरू करते हैं एप्रोप्रिएट टाइम, आपको 90 मिनट्स डेढ़ घंटे के बाद आपको शुरू करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी योगा टीचर मस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन विथ। किससे शुरू करे योगा का जो प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं वो किससे शुरू करे? नंबर ए प्राणायामा, नंबर बी आसना, नंबर सी क्रिया एंड नंबर डी साइलेंस, है ना? योगा टीचर जो प्रैक्टिस सेशन आपको शुरू करता है किससे शुरू करे? आंसर आपको दिया हुआ है आसना। आसना से आपको जो योगा का प्रैक्टिस है वो टीचर आपको शुरू करता है। कौन कौन सा नहीं होगा? प्राणायाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, साइलेंस आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा वाज फर्स्ट रेफरेंस्ड एज ए फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में
योगा को रेफरेंस किया गया, आसना कपालभाति, कपालपति, मेडिएशन एंड बैलेंस डाइट, योगा फर्स्ट रेफरेंस फॉर्म में किस फॉर्म में पहले लिया गया, आसना कपालपति, मेडिएशन एंड बैलेंस डाइट, आंसर इज द सी, मेडिएशन। अगला क्वेश्चन है योगा का, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम, कहां से लिया गया है ये वर्ड, कहां से आपको किस भाषा से लिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। योगा जो वर्ड जो श्री रामदेव जी योगा योगा करते रहते हैं, पतंजलि का उन्होंने बहुत ही खूबसूरत खोल रखा है हरिद्वार में, किस लैंग्वेज से लिया गया है, नंबर ए लैटिन, नंबर बी उर्दू, नंबर सी संस्कृत और नंबर डी तमिल। योगा जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत भारत की मातृभाषा है, सब वैदिक संस्कृत आपको भारत की मातृभाषा है, संस्कृत की जानना भारतीय संस्कृति को जानना है, संस्कृत को पहले जानिए तभी आप जो है भारत की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे, भारत का क्या कल्चर है उसके बारे में जान पाएंगे। तो योगा शब्द आपको संस्कृत से लिया गया है योगा। बारवां क्वेश्चन है, हु कंपाइल हठ योगा प्रदीपिका, किसने कंपाइल किया था हठ योगा प्रदीपिका, किसने कंपाइल किया था, नंबर ए पतंजलि, पतंजलि ने कंपाइल किया था, नंबर बी गिरांडा, नंबर सी स्वत्मरामा एंड नंबर डी नान ऑफ द अबव, आंसर इज द सी स्वत्मरामा। हठ योगा प्रदीपिका जो एक महान ग्रंथ है उसको स्वत्मरामा ने आपको कंपाइल किया था, आपको उसको लिखा था, स्वत्मरामा ने लिखा था, ये आपको स्वत्मरामा हठ योगा प्रदीपिका का आपको लेखक है, उन्होंने लिखा था। नंबर 13, डेल्टा वेव्स अकर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम, डेल्टा वेव्स जो आते हैं किस फ्रीक्वेंसी में आते हैं, डेल्टा वेव्स किस फ्रीक्वेंसी में आते हैं, 8 to 12, 30 to 100, 4 to 7, 1 to 4, आंसर इज द 1 to 4। फॉर स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप के लिए द इफेक्टिव सिटिंग अरेंजमेंट इन टीचिंग योगा, योगा को टीच करने के लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, किस तरह का टीचिंग अरेंजमेंट आपको होना चाहिए, योगा जो टीच करते हैं, योगा टीचर जो टीच करते हैं उसका सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह का आपको होना चाहिए। नंबर ए सेमी सर्कल, नंबर बी सर्कुलर, नंबर सी रो, नंबर डी कॉलम, द आंसर इज द सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर में ही योगा का टीचिंग आपको करना चाहिए, सेमी सर्कुल बना करके जितने भी छात्र हैं उनका सेमी सर्कल बनाइए और सेमी सर्कल में बिठाइए, उसके बाद योगा का टीचिंग आप शुरू कीजिए, ये आपको योगा का टीचिंग का आपको आंसर है। नंबर 15, हेल्प इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये आपको हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आपको हेल्प करता है। नंबर ए आसना, नंबर बी प्राणायामा, नंबर सी मुद्रा एंड नंबर डी नल, ये आपको हेल्प इन द हेल्थी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आपको हेल्प करता है, आसना, आंसर इज द आसना। आसना आपको हेल्दी फंक्शन में, आसन करेंगे, डेली योगा कीजिए, आसन कीजिए, उससे आपको हेल्दी फंक्शन आपको ऑर्गेनिज्म का होगा।
नंबर 16 जो आपको सूर्य नमस्कार के बारे में है, सूर्य नमस्कार के बारे में। पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं। अमन कुशवाहा जी 19ME005 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 19ME13 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 19ME21 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 19ME31 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 19ME32 इज प्रेजेंट। तो फिर से मैं आपको प्रेजेंट का अटेंडेंस आपको बता देता हूं। तुषार कनौजिया जी 19ME32 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 19ME31 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 19ME21 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 19ME13 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 19ME05 इज प्रेजेंट। ये सारे आपको प्रेजेंट है। तो सूर्य नमस्कार में कितने तरह के आसन होते हैं? आंसर इज द 12, बी 7, सी 10, डी 8। आंसर इज द 12। सूर्य नमस्कार में 12 तरह के आसन होते हैं। 12 तरह के आसन में आपको सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही खूबसूरत आसन है। सूर्य नमस्कार में करने से आपको हर तरह का आसन उसमें आपको आ जाता है। 12 तरह के आसन उसमें आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपको 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 जो है सूर्य नमस्कार आपको है, आपको सूर्य नमस्कार सभी को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से आपको हेल्थ जो है आपको बहुत ही आपको अच्छा रहता है। ये आपको सूर्य नमस्कार है। 12 तरह के आसन, सभी तरह के आसन आपको इसमें आपको जुड़ जाते हैं। ये आपको सूर्य नमस्कार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसना आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 7, 3, 4, 8। आंसर इज द 3 टाइप्स। आंसर इज द 3 टाइप्स। आसना इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। When shall be a yoga lesson plan be prepared for an effective teaching? Yoga lesson का plan, lesson plan, effective teaching के लिए कितना पहले आपको शुरू करना चाहिए? ये आपको बहुत ही अच्छा question है। किसी भी teaching के पहले अभी जो private colleges हैं क्यों failure हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स क्यों फेलियर हो रहे हैं? उनके पास लेसन प्लान आपको सही से नहीं है। लेक्चर प्लान जो है आपको टीचर के पास नहीं है, लेक्चर नोट्स टीचर के पास नहीं है, इसीलिए वो फेल कर रहे हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको इंडिया में इतनी यूनिवर्सिटी खुल गई है और वो फेल कर रहे हैं, क्यों फेल कर रहे हैं? कारण यही है, उनके पास लेसन प्लान जो है आपको उसके पास नहीं है, लेक्चर नोट्स उसके पास नहीं है, वो क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं वो उसका उसका हिसाब किताब नहीं है। तो ये कंप्लीट सही क्वेश्चन है। व्हेन शैल बी ए योगा लेसन प्लान बी प्रिपेयर्ड बिफोर एन इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग के लिए 1 वीक बिफोर द क्लास, जस्ट बिफोर द क्लास, 1 or 2 days बिफोर द क्लास, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास। लेसन प्लान आपको 1 वीक पहले आप उसको चेक करिए कि लेसन प्लान है कि नहीं, लेक्चर नोट्स उसके पास है कि नहीं। ये इफेक्टिव टीचिंग का आपको बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको किसी भी टीचिंग के लिए आपको लेसन प्लान आपको जरूरी है, लेक्चर नोट्स आपको जरूरी है, वो टीचर का हमेशा चेक करना चाहिए कि उसके पास है कि नहीं है। 19th question, द वर्ल्ड प्राणायामा मीन्स द रेगुलेशन ऑफ एनर्जी। नंबर बी द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी, नंबर सी सबटल हैंड गेस्चर्स, एंड नंबर डी द बॉडी स्ट्रेंथ। प्राणायामा का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी, रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी। प्राणायामा का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ द एनर्जी, एनर्जी को कैसे रेगुलेट करते हैं वो आपको प्राणायामा से आपको करते हैं, प्राणायामा से आपको एनर्जी को रेगुलेट करते हैं। नंबर सी
द योगा क्लास यूजुअली बिगिन विथ ए प्रेयर. नंबर बी सूर्य नमस्कार. नंबर डी योगिक सुषमा व्यायाम. नंबर डी योगासना. योगा क्लास जो शुरू होता है कैसे शुरू करते हैं? प्रेयर से शुरू करते हैं. ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है. स्कूलों में भी गुरुकुल में भी पहले स्कूल में प्रेयर कराया जाता है. गुरुकुल में पहले प्रेयर कराया जाता है. सभी बच्चे सभी टीचर का पहले प्रेयर कराया जाता है. उसके बाद जो है आपको क्लास जो है शुरू होता है. तो आपको किसी भी गुरुकुल में पहले प्रे करवाना चाहिए. उसके बाद जो है क्लास को शुरुआत करवाना चाहिए. मैं भी एक जगह प्रिंसिपल था. पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि पहले जो है प्रे होगा, उसके बाद क्लास में बच्चे सारे अपने चले जाएंगे. ये आपको भारतीय संस्कृति की परंपरा है और यही आपको योगा क्लास में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. योगा क्लास हमेशा प्रे के साथ में शुरू करना चाहिए. सारे मिलके प्रे करना चाहिए. उसके बाद क्लास का आपको शुरुआत करना चाहिए. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कपालभाति? कपालभाति, कपालपति भाति कितने तरह का होता है? ये आपको 9 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 12 तरह के होते हैं. ये आपको 6 तरह के होते हैं. नंबर 22, व्हाट इज द बेनिफिट, मेन थेरेपेटिक बेनिफिट ऑफ द कपालभाति प्रैक्टिस? कपालभाति प्रैक्टिस का मेन बेनिफिट क्या है? मेन जो बेनिफिट वो आपको क्या है? टू रिमूव द कफा डिसऑर्डर, टू रिमूव द पित्ता डिसऑर्डर, टू रिमूव द वत्ता डिसऑर्डर, टू रिमूव द वत्ता पित्ता डिसऑर्डर. योगा का मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें पत्ता और वित्ता के रूप में जो टीचर हैं, योगा के टीचर हैं, योगा के जो आपको उपचार करते हैं, पत्ता और वित्ता से उपचार करते हैं. तो इसमें आपको कफा डिसऑर्डर को आपको खत्म किया जाता है कपालभाति से. ये आपको उसका जो है एडवांटेज है. द आर्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल्स. योगा का प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट होता है? माइंड को बेनिफिट होता है, सोल को बेनिफिट होता है, बॉडी को बेनिफिट होता है, ऑल ऑफ द अबव. आर्ट प्रैक्टिस योगा करने से सभी चीजों का बेनिफिट होता है. माइंड को बेनिफिट होता है, सोल को बेनिफिट होता है, बॉडी को बेनिफिट होता है. द आर्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग माइंड सोल एंड बॉडी. ये आपको सभी चीजों में आपको हेल्प करता है. ये आपको योगा का प्रैक्टिस आपको हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका प्राणायाम? टाइम पीरियड कौन सा अच्छा है कुंभका प्राणायाम के लिए? नंबर ए बिफोर द सनराइज, सनराइज के पहले. नंबर बी आफ्टर द सनराइज. नंबर सी मॉर्निंग एंड इवनिंग. एंड नंबर डी मॉर्निंग मिडनाइट, मिड डे इवनिंग एंड द मिडनाइट. मिडनाइट मॉर्निंग में, मिडडे में, इवनिंग में और मिडनाइट में. ये आपको करता है. नंबर फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड इन अवर बॉडी? कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हमारे शरीर में? नंबर ए पैंक्रियाज, नंबर बी एड्रेनल, नंबर सी पिट्यूटरी, नंबर डी पिनियल. एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी में है? पैंक्रियाज, एड्रेनल, पिट्यूटरी एंड द पिनियल. आंसर इज द एड्रेनल ग्लैंड. आपको उसमें प्रैक्टिस में आपको कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोबरा पोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोबरा पोज. कोबरा मतलब सांप. सांप का पोज इज ऑल्सो कॉल्ड पद्मासना, सलभासना, भुजंगासना एंड नन. कोबरा पोज क्या कहलाता है? पद्मासन, सलभासन, भुजंगासन और नन. आंसर है आपको भुजंगासन. आंसर है आपको भुजंगासन. कोबरा पोज आपको भुजंगासन आपको कहलाता है. आसना बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइप्स. आसना बेस्ड ऑन द हाउ मेनी टाइप्स. नंबर ए 3, नंबर बी 12, नंबर 5, नंबर सी 5 एंड नंबर डी 4. आसना जो आपको किस तरह के टाइप में आपको पाया जाता है? आंसर है 4. आंसर है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द योगा एज टॉट बाय द एंशिएंट टू द इज टू अटेन परफेक्ट हेल्थ. नंबर बी पीस ऑफ द माइंड. नंबर सी स्ट्रेस रिलीफ एंड नंबर डी नॉन ऑफ दीज. पर्पस ऑफ द योगा जो एंशिएंट में बताया जा रहा था, किसको अटेंड, पर्पस क्या है उसका? परफेक्ट हेल्थ को अटेंड करना है, पीस ऑफ द माइंड को हेल्थ करना है, स्ट्रेस रिलीफ को हेल्थ करना है और नन ऑफ दी. आंसर इज द नन ऑफ दी. पर्पस ऑफ द योगा आपको आंसर इज द नन ऑफ दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल भाती इज ए प्रोसेस. ये कौन सा प्रोसेस है? स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस है, मेडिएशन प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस है, नन ऑफ दी. कपाल भाती एक क्लीनिंग प्रोसेस है जो बॉडी को क्लीन करता है. ये आपको क्लीनिंग प्रोसेस है. और कौन कौन सा नहीं है? स्ट्रेंथनिंग नहीं है, मेडिएशन नहीं है. कपाल भाती इज ए क्लीनिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ट्रा मीन्स, उष्ट्रा का मतलब आपको क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उष्ट्रा? नंबर ए इज द ट्री, नंबर बी इज द कैमल, नंबर सी इज द हेयर एंड नंबर डी इज द स्नेक. उष्ट्रा का मीन्स आपको क्या हुआ? नंबर ए इज द ट्री, नंबर बी इज द कैमल, नंबर सी इज द हेयर एंड नंबर डी इज द स्नेक. द आंसर इज द बी कैमल. उष्ट्रा का मीन्स आपको कैमल हुआ. उष्ट्रा का मीन्स आपको कैमल हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द योगा इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विच रिक्वायर स्ट्रेंथ. नंबर बी एन ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ द माइंड. नंबर सी फ्लेक्सिबल बॉडी. नंबर डी ऑल ऑफ द एबव. योगा इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ द माइंड. ये आपको एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ द माइंड चाहिए योगा में करने में, जो कि योगा करने के लिए ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ द माइंड चाहिए योगा को करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ए शीताली प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम, नडी शोधना एंड नन. अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, नाक से जो ब्रीथिंग करते हैं वो आपको क्या कहलाता है? शीतली प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम, नदी शोधना, नाड़ी शोधना एंड नन. आंसर इज द नाड़ी शोधना. नाड़ी शोधना आपको वो आपको कहलाता है. नाड़ी शोधना आपको कहलाता है. नाड़ी शोधना आपको कहलाता है. डिफिनेशन ऑफ द योगा अकॉर्डिंग टू द कठोपनिषद इज क्या है? योगा का डिफिनेशन कठोपनिषद में आपको क्या है? नंबर ए कंट्रोल ऑफ द माइंड.
नंबर बी कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन माइंड एंड द इंटेलेक्ट, नंबर सी कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड द इंटेलेक्ट, एंड नंबर डी कंट्रोल ऑन बॉडी एंड द माइंड. आंसर इज द सी कंट्रोल ऑन द सेंस ऑर्गन एंड इंटेलेक्ट. कंट्रोल ऑन द सेंस ऑर्गन एंड इंटेलेक्ट, ये आपको योगा का कठोपनिषद में आपको आपको दिया हुआ है, कठोपनिषद में आपको दिया हुआ है. द पर्पस ऑफ द योगा एज टॉट बाय द एंशियंट टू अटेन द हेल्थ इज टू गेट ए परफेक्ट हेल्थ, पीस ऑफ द माइंड, स्ट्रेस रिलीफ, इनलाइटमेंट और द सेल्फ रियलाइजेशन. आंसर इज द इनलाइटमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन. योगा का पढ़ाने का मतलब आपको इनलाइटमेंट है और सेल्फ रियलाइजेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग ऑन वेकेशन एट होम वॉकिंग एंड ऑल ऑफ द अबव. मेडिटेशन का प्रैक्टिस आपको क्या कहलाता है, मेडिटेशन का प्रैक्टिस आपको क्या कहलाता है, मेडिटेशन कब करना चाहिए, वेकेशन में करना चाहिए, होम में करना चाहिए, वॉकिंग में करना चाहिए, आपको ऑल ऑफ द अबव आपको इसमें आपको करना चाहिए. ये आपको मेडिटेशन का आपको दिया हुआ है, मेडिटेशन आपको यहां तक आपको करना चाहिए. तो आज कई हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया और कई स्टूडेंट जो है अभी छोड़ के चले गए हैं. तो अभी अभी जो प्रेजेंट हैं, चंचल कौशिक जी 19ME13 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 19ME13 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हैं. तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं. ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जो आपको आ रहा है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं. एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में आपको जानना आपको जरूरी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में आ रहे हैं. तो हम लोगों ने आज एमसीक्यू क्वेश्चन का काफी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया.